नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री हरिकथा मंदाकिनी के और एक अध्याय में प्रणाम करते हैं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी नारायण महाविष्णु कल्कि राम श्री 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 सत्य अनंत माधव के श्री चरणों में दंडवत करने के बाद आज का ये सत्संग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी 185,000 ग्रंथों का रचना किए हैं और उनमें से एक है श्री आदि संहिता। श्री आदि संहिता में भगवान श्री निराकार निरंजन भगवान नारायण से कह रहे हैं कि कलयुग में क्या क्या सब होने वाला है। श्री निराकार कहते हैं, एनाम ब्रह्म लय छाड़ी प्राणी असत्य जीवे बढ़ी परम ब्रह्म नाम तेजी पर प्रकृति भावे मजी। आप ये सभी जानते हैं कि कलयुग में हरि नाम संकीर्तन से मनुष्य को मुक्ति मिलेगा, लेकिन मनुष्य इसे नाम रूपी ब्रह्म को त्याग करके असत्य में अपना पूरा जीवन व्यतीत करने लगेगा, जो कि आजकल के समाज में हो रही है। मनुष्य नाम रूपी ब्रह्म को त्याग करके हमेशा असत्य अधर्म की राह पर चल रहा है। आजकल के मनुष्य परम ब्रह्म का नाम को त्याग करके दूसरों की निंदा करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसके दूसरे पंक्ति में ये लिखा हुआ है, आकाशो शब्द हेव ख्यात चेती जागीवे मोर भक्त 22 अंकरे रुधिर धारा बहिव मेदिनीर। आसमान से कई तरह की ध्वनि सुनाई देंगे और इसी ध्वनि को सुनकर यानी इसी शब्द को सुनकर भक्त लोग जागृत होंगे। 22 अंकरे रुधिर धारा बहिव मेदिनीर, यहाँ महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी 22 अंक के बारे में कह रहे हैं। इसी 22 अंक में पृथ्वी पृष्ठ में रक्त का नदी प्रवाहित होने लगेगा। देखिए, हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये अंक का गणना करना ये कोई मामूली बात नहीं है। कोई साधारण मनुष्य अंक का गणना नहीं कर सकता है, ये अच्युत ने लिखा है। इसलिए जब अच्युत आएंगे, खुद अच्युत ही इसे अंक का मतलब समझाएंगे। आजकल लोग खुद अपने आप को अच्युत समझने लगते हैं और अंक का डिकोड भी करने लगते हैं। आप इन लोगों के बहकाव में मत आइए। हम आपको हमेशा एक बात कहते हैं कि हम समय नहीं, हम समय के अधीन है। इसीलिए चुपचाप बैठकर आप समय का इंतजार कीजिए। इसी समय भगवान भी मनुष्य के रूप में है, इसीलिए वो भी समय के अधीन में ही है। वो जो नियम बनाए हैं वो कभी उसे तोड़ नहीं सकते। इसके बाद फिर महापुरुष लिखते हैं, बाई हुई वे सर्वजन बातुल प्राय हेवे जानो उत्तरे हेव गोल ख्यात उद्भव हुई व दैत्य। इसी घोर कलयुग के प्रभाव से मनुष्य भ्रमित होने लगेंगे। मनुष्य ये समझ नहीं पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है और बहुत ही नीचे स्तर पर गिर जाएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक चिंतन करें, ये समय अभी चल रहा है। मनुष्य को ये पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो उसका विचार नहीं कर पा रहा है। जो सही है हम उसे गलत मान बैठते हैं और जो गलत है हम उसे सही मान बैठते हैं। आप जरा सोचिए, क्या यह मनुष्य का अज्ञानता नहीं है? जैसे कि महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी यहाँ बताया है, इसी समय पाश्चात्य देशों में युद्ध छेड़ चुका है और मनुष्य के अंदर आसुरिक प्रवृत्ति का जागृत हो चुका है। युद्ध हुई व अप्रमित जुआर माड़ी व बहुत जुग्नि हुई वे परचंड जगते म्लेच्छ करी गुंड। महापुरुष ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में प्रबल मात्रा में युद्ध होगा। ऐसा युद्ध, ऐसा भीषण युद्ध जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। समंदर भी अपना कराल स्वरूप धारण करेगा और ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े कंट्रीज भी उसके अंदर चले जाएंगे। हमने भी किसी मालिका शास्त्र में ऐसा पढ़ा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिका पूरी तरह पानी में डूब जाएगा और इधर भारतवर्ष में द्वारिका फिर से ऊपर उठने लगेगा। यहाँ महापुरुष साफ साफ लिख दिया है, जुग्नी हुई वे परचंड जगते म्लेच्छ करी गुंड। ये कहने का तात्पर्य, दुष्ट और आसुरिक प्रवृत्ति लोग जिसे यहाँ म्लेच्छ कहा गया है, उनका विनाश युग्नि के हाथ में होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो फिर हम अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं, आप उसे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपके मन में जो कुछ भी सवाल है आप हमें पूछ सकते हैं। भगवान श्री श्री सत्य अनंत माधव का दिव्य और पवित्र नाम का उच्चारण करके आज का इस सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।